पिछले कुछ टाइम से सलमान खान की इंशाल्लाह और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को लेकर ये खबर खूब सामने आई कि इन दोनों के बीच 2020 में ईद के मौके पर महाभिड़ंत होने वाली है। लेकिन फिर इस खबर ने भी सुर्खियां बटोर ली कि सलमान खान ने अक्षय को फोन कर कहा है कि 2020 के ईद के मौके पर इंशाल्लाह और सूर्यवंशी का क्लैश नहीं होने देंगे। लेकिन लगता है कि सलमान अपनी ईद किसी के लिए नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ईद का दिन उनके लिए खास जो रहता है और वो किसी के लिए भी अपनी फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदलने वाले, फिर चाहे वो अक्षय कुमार ही क्यों ना हो। दरअसल अगर सिनेब्लिट्स नाम की मैगजीन की एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने अक्षय कुमार से इंशाल्लाह की रिलीज तारीख बदलने का वादा नहीं किया है और वो अपनी फिल्म को अगले साल ईद पर ही रिलीज करेंगे। मैगजीन के सूत्रों ने बताया कि जो खबरें मीडिया में आ रही हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। हमें खुशी है कि हम अगले साल ईद के मौके पर फिल्म को लेकर आएंगे। सूत्र ने साफ कर दिया कि सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्में अगले साल ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी। तो सुना आपने, मतलब साफ है कि अगले साल यानी कि 2020 में ईद के मौके पर सलमान की इंशाल्लाह और अक्षय की सूर्यवंशी का क्लैश जरूर होगा। वैसे आपको बता दें कि जहां सलमान खान के इंशाल्लाह को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वही सूर्यवंशी को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। और इन दोनों ही डायरेक्टर की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर आती हैं तो सुपर डुपर हिट ही होती हैं। और अब तो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के दो सुपरस्टार की भिड़ंत होने वाली है। ऐसे में दोनों की ऑडियंस तो बढ़ेगी ही, जिसका सीधा नुकसान दोनों ही फिल्मों को होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस की इस रेस में बाजी कौन जीतता है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।